मटर है। वाह ये अच्छा, ये मेथी मूली। वाह ये देखो, वाह ओके, ये गोभी है। हाय काऊ, हाय काऊ, तुम्हारी कितनी। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अमृता मेहरा और आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। तो ये थोड़ा मंडी से बाहर एक विलेज है, इस विलेज का नाम है गलमा। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे यहाँ पर आके ना बहुत अच्छा लगता है इसके घर आके, मतलब बहुत ही पीसफुल एरिया है, मतलब विलेज है। तो मैं आज आपको इसका विलेज घुमाऊँगी अपनी फ्रेंड का। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़े टाइम में, जब वो ऊपर टेरेस पर आएंगे। मैं टेरेस पर बैठूँ तो जब मैं ऊपर, जब वो आएंगे ऊपर तो मैं आपको उनसे मिलाऊँगी। ये आई गई पन्नू। पन्नू हेलो, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। और ये क्या लाई है, ऑरेंज लाई है। आपको थोड़ा व्यू दिखाती हूँ इसके घर से, जो व्यू दिखता है। इसके घर के पीछे ही ये नदी है और बड़ा ही अच्छा प्यारा सा व्यू आता है। और जब बारिश होती है तो बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से। और यहाँ पर है माउंटेन्स और यहाँ पर घर हैं, थोड़े बहुत घर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक हम ये ऑरेंजेस इंजॉय करते हैं। Okay, अब हम जा रहे हैं सामने पन्नू की मामी वगैरह के घर। हाँ अंधेरा हो गया, शाम हो गया ना, देखते हैं उधर क्या कर रहे हैं वो लोग। पन्नू की मामी मामा का घर, दिवेश के मामी मामा। हाँ जीजू के, जीजू और पन्नू के मामी मामा। पापा 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 बोलती है ये। हाय डैगो। ओके ओके, शी इज नॉट इंटरेस्टेड। ओके सॉरी। ओ यानी खुश हुई मेरे को मिलके। डैगो बन गया ये साग के, अभी कच्चा है। अच्छा, धुआं से सारा बाहर को जाता है ना, चिमनी है ना। बाद में आते हैं, कद्दू भी जाएगा कद्दू तो काम करना। हाँ, इसको ले जाती हूँ। कल सुबह उठ जाएंगे, सुबह सुबह तू भी उठेगी, तू उठेगी मेरे साथ सुबह, उठ जाना। दूध निकालेंगे वो। हाँ मैंने कभी मतलब ऐसे ऐसे देखा है टीवी वगैरह में, एक्चुअली मैंने देखा है कभी। यही से जो गाय मरी थी। हाँ ना, अच्छा वो परे वाली वो। हाँ बड़ी होगी, कितनी है। ये 14 महीने रे। अच्छा तब सिर ने पुनी ये सारी बात है। ओए ये नहीं नहीं खेल रही थी, ये देख रही हूँ मेरे को कौन है ये। हेलो हेलो, वो बेचारी इधर आई नहीं ना, वो बीमार पड़ गई थी। अच्छा अच्छा, वो कितने साल की थी वैसे। अच्छा अच्छा, ऐसे कितनी उम्र होती है इन गाय वगैरह की। उम्र तो नहीं, कितने जाएंगे, 7-8 साल तक।
पन्नु पन्नु ले मामी जी ने दूध भेजा परे रख लो इसको किचन में ले पी ले सी किचन में रख के पी डोलू पी सारा जब पर रख के आ जा किचन में आई मैं यार दूध पिएगा ले ले सारा खप कर दो कम कर दो सारा लो रख देती हूँ परे जब गाय का बेबी होता है तो दूध बांटते हैं मतलब एक हिसाब से हमने दिया किस दिन दिया ऐसे देते या तो जो जैसे कि कोई खीर देते कोई क्या देते दूध दिए कितना कितना किलो है एक किलो दो दो किलो है शायद देख पत्ते खा रही है ये हमें ना दिन में कर लेना चाहिए था काम वैसे दिन में हम मूवी देख रहे थे बुध वाले मूवी देख रहे थे कुछ नहीं वैसे भी क्या हम जल्दी खाते हैं रात को कौन सी मूवी देखे आज देखेंगे क्यों देखेंगे आज देखेंगे कैसा है टेस्ट टेस्टी है मामी जी की इन वाली मामी की गाय इधर इसके अंदर यहाँ पे है मामी जी की गाय कहाँ है दिखी नहीं रही है अंधेरा है अच्छा गाय बाहर है अच्छा इतने छोटी मामी की गाय अच्छा ये छोटा सा बेबी भी है गाँव का वो देखो गाँव का बेबी ये देख रहे हैं कौन है ये वो भी डर रहा है बेचारा हेलो नहीं आएगा हाय डर रहा है बेचारा हेलो नहीं 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 रहा देते यहाँ से तंग हो रहा है कैसे देख रही है सारी ना कि पता नहीं कौन है ये लोग उनको उन्होंने स्वेटर बनाया इसको ना नीचे स्वेटर नहीं कितनी सुंदर लग रही ये मटर है वाह अच्छी बात है ना सब कुछ घर का और ये अच्छा ये मेथी मी मेथी है ये मटर मटर तो लगे नहीं है लगेंगे भी तो अच्छा 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 और वो हरा धनिया है सारा कहाँ पे ये सारा ये जो सामने अच्छा ये फूल वाला सारा हरा धनिया है और ये भी हरा धनिया ही है ओके ये मूली है वो मूली वाह ये देखो वाह घर की खेती सच में ना बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं ओके ये गोभी है ये सरसों का साग कहाँ पे हाँ यहाँ पर सरसों का घास सरसों का साग हाँ और ये मामी जी के खेत है ना ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह है ना और ये मामी जी के वो खेत है ओके 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 और उधर है गाय वगैरह उधर भी अंदर है ना ओके ओके ये वाले भी मामी जी के है उधर वाले ये छोटी मामी का घर है ना और यहाँ पर इसके ओ पपीता भी लगा इधर ये तो मैंने अभी नोटिस किया वाह फिर तो पंटा तुम पपीता भी खाते हो सब कुछ खाते हो ना हाँ सब कुछ खाते हैं बोल रही है सब कुछ खाता है यानू हाँ सही है कच्चे पपीते के ना परांठे बनते हैं पता है परांठे बनाते हो कच्चे पपीते के सही है मैं यहाँ से सब्जियाँ ले जाऊंगी बहुत सारी तोड़ के मूली वूली सब कुछ ले जाऊंगी ये क्या है ये क्या है अच्छा नहीं बनेगा भी मतलब अच्छा ये लहसुन है और उधर
वो सारा धनिया धुनिया मूली वगैरह। अच्छा ओके ओके। रात की ड्यूटी पूजा की होती है खाना बनाने की। अच्छा ना किचन ना। हाँ सही रहता है ना, खुला खुला से किचन होना चाहिए। सही बिल्कुल खुला खुला सा। सही बात। शिवानी देखना इधर। हाँ कैसा कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पर आ जाऊँ। बस रहे यहीं पे तो। ये किचन अभी मामूरी का किचन है, नया बनाया अभी अभी, इसकी ओपनिंग कर दी है हमने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा चल जाइए ऊपर। डैगो हेलो सो गई है? जा रही हूँ इधर मुँह कर रही थी उधर। ये क्या बोलते सुखी सुखी ना मम्मी ने बनाई है तरी वाली, उन्होंने भेजी है। फिर एक रोटी भी खाई मैं उधर। नहीं मैंने बस सब एक की रोटी खानी थी बस खाई। मैंने एक ही खानी थी। क्या है ये? गाय के लिए। किस चीज से बनता है ये? बनता है जैसे कनक का गेहूं का। अच्छा गेहूं डाली होती है। गेहूं डाली है। पास से दिखाऊं मैं? पानी। अच्छा गाय के लिए स्पेशल डिश बन रही है यहाँ पे। यहाँ ना कब सोई अभी की थोड़ी देर पहले रोज धोते हो ऐसे खाना खाने के बाद रोज धोते हो? अच्छा अच्छा नहीं ऐसे रिवाज है क्या? सही बता रहा है कैजुअली रिवाज नहीं है ये बोल रही है रिवाज नहीं ये बोल रही है हमारे वहाँ पे भी धोते भी। अच्छा अच्छा ऐसा मतलब चलो हमारे जाने का टाइम अब आ गया है हम चलते हैं अब। हमने okay? आज यहाँ पे परचेज किया है दो पहाड़ी पहाड़ी बास्केट। yes, मैंने भी लिया है मेरा है ऐसा अच्छा लग रहा है वैसे ना फिटिंग फिटिंग अच्छी आ रही है इसकी है ना दोनों साइड से पहन सकते हैं इसको ब्लैक वाली साइड से भी और ऐसे बाहर से भी अच्छा लग रहा है। वाह सुंदर है ना सुंदर है ना। बाय आनंद मैं जा रहा हूँ अब। ओके पहाड़ी है तो पहाड़ी दिखेंगे ना। एक बार दिखाइयो देख अच्छा लग रहा है। जीन्स के ऊपर भी सुंदर लग रहा है सूट के ऊपर भी अच्छा लग रहा है ब्लैक जीन के साथ साथ से लग रहा है। चलो चलते हैं बाय जा रहा हूँ मैं टाटा।